Hey my champion, welcome to my channel. मेरा नाम है मोनिका अग्रवाल और हम कर रहे हैं मिलकर MHTCET 2022 की तैयारी. आज है हमारा डे 7 और डे 7 में हम शुरू करने जा रहे हैं साउंड शोर, जो तुम लोग करने में माहिर हो, राइट? आवाज करने में हम पीछे हटेंगे क्या? कभी नहीं, बिल्कुल नहीं. तो चलो शुरू करते हैं हमारा आज का चैप्टर साउंड. अब हमारा पहला क्वेश्चन है, द इक्वेशन ऑफ अ वेव मोशन इज y इज इक्वल्स टू 6 साइन 12 पाई टी माइनस 0.02 पाई एक्स प्लस पाई बाई टी. ये हमारे वेव की इक्वेशन है, वेयर एक्स इज इन मीटर, टी इज इन सेकेंड, द वेलोसिटी ऑफ द वेव इज. देखो क्लियर दिख रहा है, दिस इज ब्लर. अब हमको क्या पूछा है? वेलोसिटी हमको पूछा हुआ है. एक चीज याद रखना, इसमें जो टी के साथ कोएफिशिएंट होता है वो ओमेगा होता है और जो एक्स के साथ कोएफिशिएंट होता है वो तेरा के होता है. तो टी के साथ वाला, टी के बाजू वाली कौन होती है? ओमेगा. और एक्स के बाजू वाली कौन होती है? के. और वी का फॉर्मूला है ओमेगा बाय के का टर्म. तो 12 पाई बाय 0.02 पाई, पाई ने काय को मार दिया. सो दिस 12 बाय 0.02 इज 600. बस ये कैसे आया, ये निकालने मुझे प्रॉब्लम होती है. तो काम कर, अगर प्रॉब्लम होती है तो इसको 12 बाय 2 इंटू 100 नहीं सॉरी 10 रेस टू माइनस 2 लिखते. 0.02 को क्या लिखा? 2 इंटू 10 रेस टू माइनस 2. अब ये तो काट लोगे, ये माइनस 2 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये 600 आ जाएगा. क्लियर? ओके, समझ में आ गया. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. अब इस क्वेश्चन में क्या दिया है? द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ ट्यूनिंग फोक इज 220 हर्ट्ज. हमको ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी दी है, उसकी वेलोसिटी भी दी है 330 मीटर पर सेकेंड. वेन द ट्यूनिंग फोक कंप्लीट 80 वाइब्रेशन वाइब्रेट कर रही है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा? मीन्स एक बार वाइब्रेट होता है तब एक वेव बनती है, मीन्स ये लैम्बडा डिस्टेंस ट्रेवल करती है. एक बार वाइब्रेशन में एक वेव बनी, एक वेव इज लैम्बडा डिस्टेंस. तो मिस 80 वाइब्रेशन में 80 लैम्बडा, सो द डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 80 लैम्बडा. नाउ डिस्टेंस लैम्बडा इज वी बाय एन, सो 80 इनटू वी इज 330 बाय 220. इसने इसको काटा, इसने 3 बाय 2, 2 जा 40 into 3, 120 meter. So the correct answer is option A. Lallu lallu wala question. Thode easy question aaye hai. Next question number 3. If a star appearing yellow start accelerating towards the earth, इट कलर्स अपीयर टू बी टर्न. यानी हम क्या बोल रहे हैं कि एक स्टार हमारी तरफ आ रहा है. अगर कोई चीज हमारी तरफ आ रही है तो वो किधर शिफ्ट होती है? टूवर्ड्स ब्लू. और कोई चीज हमसे दूर जाती है तो वो शिफ्ट होती है टूवर्ड्स रेड. तो इसका आंसर है ये धीरे धीरे ग्रेजुअली ब्लू की तरफ शिफ्ट होते जाएगा. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. ये थियोरी क्वेश्चन था और ये सारे पूछे गए क्वेश्चन है, ये मैंने कुछ नहीं किया है इसमें, ये एक्चुअली एग्जाम में पूछे गए 2020 के सारे क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. अ प्रोग्रेसिव वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज इज ट्रेवलिंग विद वेलोसिटी 350 मीटर पर सेकेंड थ्रू अ मीडियम. द चेंज इन द फेज एट अ गिवन टाइम इंटरवल. So delta phi is the phase difference. इसका formula है 2 pi by capital T into small t. ये phase difference और time का बेटा relation है, या इसको मैं delta t भी लिख सकती हूँ. So this is the relation, this is the time difference, this is the
फेज डिफरेंस. इसी तरह से एक और रिलेशन होता है, फेज डिफरेंस इज 2π/λ इनटू पाथ डिफरेंस. सब लिख लो, ये डेल्टा फाई है फेज डिफरेंस, डेल्टा टी है टाइम डिफरेंस, और डेल्टा एक्स है पाथ डिफरेंस. आइंस्टाइन नहीं बनो कि नहीं बस मुझे याद रहेगा, चुपचाप से लिखो. ठीक है, अब बात करें इसकी. अब देखो पता है मैं 1/T को एन भी लिख सकती हूँ, तो मैंने 2πn डेल्टा टी लिखा क्योंकि लिए मुझे फ्रीक्वेंसी दी हुई थी. सो 2π इंटू 50 इंटू 0.01 को मैं 10⁻²⁻ लिख रही हूँ. 50 इंटू 200 ने 100 माइनस 2 को काट दिया, सो आंसर आ गया पाई. सो दैट इज ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. A source of sound is moving with velocity 30 meter per second, emitting a note of frequency 256 hertz. The ratio of the frequency observed by a stationary observer while the source is approaching him and after it crosses him is speed of sound given hai. Okay, yahan main shanti se khadi hu. एक गाड़ी है जो हॉर्न बजाते हुए, उसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी 256 है. ठीक है, ऐसा इमेजिन करके वो मेरी तरफ आई तो मुझे ऑब्वियसली अपेरेंट फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनाई देगी, फिर वो हॉर्न बजाते हुए मेरे से दूर निकल गई, तो अब जो मेरे कानों में आवाज जाएगी उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी. तो देखो पूछा है आने वाली जब मेरी तरफ आ रही थी तब क्या फ्रीक्वेंसी है, तो मैं नाम दे रही हूं N1, और जब मुझे क्रॉस करके आगे चली गई तब मुझे जो सुनाई दे रही थी अपेरेंट फ्रीक्वेंसी उसको मैं नाम दे रही हूं N2. ठीक है, तुम लोग को ये पता होगा ना कि अपना डॉपलर इफेक्ट है कि व्हेनेवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर, हमारी जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है वो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा या कम होती है. मतलब ये हमको मामू बनाता है, या तो ज्यादा सुनाई देगा या कम सुनाई देगा, तो दे आर मेकिंग अस फूल. तो जो हमको पहले सुनाई दे रही है N1, उसका फॉर्मूला है NV/V - VS. दिस इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द सोर्स. जब नजदीक आता है तब फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, इसका डिनोमिनेटर छोटा होना चाहिए और न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए. ठीक है, इसके लिए मैंने यहाँ पे माइनस डाला. बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है मिस कब प्लस यूज करना है कब माइनस यूज करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा है. जब भी डिस्टेंस कम होगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, मतलब न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा. ठीक है, और जब डिस्टेंस बढ़ते जाएगा तब फ्रीक्वेंसी कम होगी, तब न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा, तो ऊपर माइनस नीचे प्लस. ठीक है, सारे क्वेश्चंस कराती जाऊंगी ना तुझे आ जाएगा, डरना मत. अब यहाँ पे एक्चुअल फॉर्मूला इसका ना कुछ इस तरह से होता है, N-V+-V0/V-VS. ये तेरा फॉर्मूला होता है. V इज वेलोसिटी ऑफ साउंड, V नॉट इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, एंड VS इज द वेलोसिटी ऑफ द सोर्स. तो मैं यहाँ खड़ी हूं तो ऑब्जर्वर तो रेस्ट है, तो इसलिए मैंने ये तो टर्म लिखा ही नहीं. सोर्स मेरी तरफ आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो डिनोमिनेटर छोटा होना चाहिए, इसलिए मैंने माइनस लिखा. अब N2 की बारी. अब जब ये सोर्स मेरे से दूर जा रहा है, सो NV/V+VS क्योंकि लिए अब मेरे से दूर जा रहा है, तो दूर जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी कम होनी चाहिए, तो डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए. अब दोनों का रेशियो ले लो, N1/N2 इज V+VS/V-VS. अब हमको V दिया है, V प्लस भी दी, VS भी दिया है, सो N1/N2 V कितना है 330 और VS कितना है 30/330-30, दैट इज 360/300. ये एक एक जीरो कट गया, सो 36/30 विल गिव मी 6/5. सो N1/N2 इज 6/5. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. ये ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं थे, इसको तेरा प्यार चाहिए. दे दे प्यार, दे प्यार, दे प्यार, दे दे.
फिजिक्स को प्यार दे। तो ये वाले क्वेश्चन में दिल मार्क करना है, क्योंकि इसको तुझे ध्यान रखना है। ऐसे आगे बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगी, डरने की बात नहीं है। बाकी सारे क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला याद रख लेना, वी इज ओमेगा बाय के, और ये दोनों फॉर्मूलाज भी याद रख लेना। फॉर्मूलाज लिख लेना, तुमको याद नहीं रहते हैं, ठीक है? बार बार लिखोगे या रिवाइज करोगे तो याद रह जाएंगे, ठीक है? चलो कॉपी करो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अ कार साउंडिंग अ हॉर्न ऑफ फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ट्ज पासेस एन ऑब्जर्वर। द रेशियो ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द हॉर्न noted by the observer before and after passing of the car is 11:9. The speed of the sound is v, the speed of the car. Same question जो हमने किया, ये मैं खड़ी हुई यहाँ पे, ये गाड़ी आई और आने के बाद ऐसे पास हो गई, तो मुझे पहले जो फ्रीक्वेंसी सुनाई दी वो n1 है, जो बाद में सुनाई दी वो n2 है। तो n1 by n2 is 11:9। हमको वेलोसिटी ऑफ कार निकालनी है क्योंकि ऑब्जर्वर रेस्ट पे है। तो अभी जस्ट मैंने जो यूज किया मैं वही यूज कर रही हूं। n1 by n2 is v plus vs upon v minus vs। So 11:9 is v plus vs upon v minus vs। ये कैसे आया? बिल्कुल मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया है, रेशियो हमने निकाला हुआ था, ठीक है? वो बार बार रिपीट करके लॉजिक नहीं है। सो 11v माइनस 11vs इज 9v प्लस 9vs। 9v को मैं ये साइड लेके आ जाऊं तो ये हो गया 2v, और 11v को वो साइड ले, vs को वो साइड ले जाऊं तो 20vs। सो वेलोसिटी ऑफ साउंड इज v बाय 10। सो वेलोसिटी ऑफ सोर्स, दिस इज नॉट साउंड, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ सोर्स हमको कितना आ रहा है? v बाय 10। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। टू मोनो एटॉमिक आइडियल गैसेस ए एंड बी ऑफ मॉलिक्यूलर मास m1 एंड m2 रेस्पेक्टिवली आर enclosed इन सेपरेट कंटेनर एट द सेम temperature। द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड इन गैस ए टू दैट ऑफ इन गैस बी। सो वेलोसिटी ऑफ साउंड का फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, गामा आर टी बाई एम। अब दोनों मोनो एटोमिक गैस है तो गामा कॉन्स्टेंट होगा, दोनों का टेम्परेचर कॉन्स्टेंट दिया हुआ है और R तो ऑलरेडी कॉन्स्टेंट है। सो वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। सो V1 बाय V2 इज अंडर रूट M2 बाय M1। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। एक मिनट बेटा, देखो क्लियर दिखाई दे रहा है क्या? हाँ, इट इज क्लियर। Now next question number 8. An observer is approaching a stationary source with a velocity 1/4 of the velocity of sound. Then the ratio of apparent frequency heard by the observer to the actual frequency. Situation samajhte hain? Ye ek stationary source hai, jaise yahan pe koi gana baj raha hai और हम यहां खड़े हैं और हम इसकी तरफ जा रहे हैं और हमारी जो स्पीड है वो साउंड की स्पीड से 1/4 टाइम है, ठीक है? तो यहां पे दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर, वेलोसिटी ऑफ द सोर्स हमारा जीरो हो गया और ये इसकी तरफ जा रहा है, मतलब फ्रीक्वेंसी, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। सो एन डैश इज एन वी, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड प्लस v/4 डिवाइडेड बाय v। कुछ समझा? क्या फॉर्मूला मैं लिख देती हूँ, क्या यूज किया? n डैश इज n वेलोसिटी ऑफ साउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स।
अब सोर्स तो रेस्ट पे था तो ये वाला टर्म जीरो हो गया, ये मैंने v लिखा, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर कितना दिया है बेटा v बाय 4, तो वो हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब हमको n डैश बाय n पूछ रहे हैं, तो ये हो जाएगा 5v बाय 4v, समझा ना, एलसीएम लिया तो 4v प्लस v इज 5v बाय 4, और ये v कट गया, सो द आंसर इज 5 बाय 4, दैट इज ऑप्शन ए। इस क्वेश्चंस को, ये जो भी क्वेश्चंस है डॉपलर इफेक्ट के लिए, इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए तभी समझ में आएगा, ठीक है। इसके लिए मैं थोड़ा आराम से ले रही हूं ताकि आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आए। कुछ डाउट तो नहीं होगा? अगर कुछ डाउट है तो प्लीज कमेंट्स में मुझे बताइए ताकि मैं आपको हेल्प कर पाऊं। डोंट हेजिटेट, यू कैन टेल मी योर डाउट, दैट इज कंप्लीटली ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। अ बस इज मूविंग विद अ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स अ वॉल। इधर से तुझे एक शॉर्टकट मिलने वाला है। तो एक बस है, ये बस में हम बैठे हैं और हम एक दीवार की तरफ चले हुए जा रहे हैं, हम आराम से बैठ के, तो हमारी बस चल रही है। कितनी स्पीड से चल रही है? 5 मीटर पर सेकेंड से, ओके। द ड्राइवर ब्लोज द हॉर्न ऑफ फ्रीक्वेंसी 165 हर्ट्ज। ये ड्राइवर यहां बैठा है, हम पीछे बैठे हैं, ठीक है ना बेटा। तो ड्राइवर ने हॉर्न बजाया और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या दी हुई है? 165 हर्ट्ज। ध्यान से सुनना, पूरा ध्यान इधर, सब कुछ भूल जाओ। इफ द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 335 मीटर पर सेकेंड, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव द नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड हर्ड बाय द पैसेंजर इन द बस विल बी। देख सिचुएशन समझ, क्या हो रहा है? इसने हॉर्न बजाया, तो हॉर्न बजा तो जो साउंड है वो जाएगा और रिफ्लेक्ट होके वापस आएगा। समझ में आया? साउंड गया, रिफ्लेक्ट हुआ दीवार से और वापस आया। तो अब जो बच्चा है या जो हम है, जो पीछे बैठा है, उसके कान में दो आवाज गई, एक तो डायरेक्ट हॉर्न की आवाज गई और एक रिफ्लेक्ट होने के बाद गई। समझ में आ रहा है? एक डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी गई और एक रिफ्लेक्ट होने के बाद फ्रीक्वेंसी गई, तो इसकी वजह से उसको बीट्स सुनाई दिए, जो आपके 12th स्टैंडर्ड का सिलेबस है, बीट्स। व्हेनेवर देयर आर टू फ्रीक्वेंसीज और उन दोनों की फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तब हमको साउंड में बीट्स सुनाई देते हैं। तो ये उसी के ऊपर क्वेश्चन है। एक तो उसके कान में डायरेक्टली 165 फ्रीक्वेंसी गई और एक रिफ्लेक्ट होने के बाद एक साउंड जाएगा, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद जो साउंड गया उसकी फ्रीक्वेंसी हम ढूंढने वाले हैं। अब उसकी फ्रीक्वेंसी ढूंढने के लिए मैं दो केस कंसिडर कर रही हूं, ध्यान से सुनना। पहला केस, केस वन, ध्यान से सुनो। ये हमारा सोर्स है, कौन सोर्स है? बस, और हम जाके इसके दीवार के ऊपर बैठ गए, बंदर बन के हम दीवार के ऊपर चिपक गए, ठीक है। तो हम बंदर हैं और दीवार पे बैठ गए, तो अब हम हो गए ऑब्जर्वर, और ये बस हो गई सोर्स। ध्यान से सुनना, अब इसने हॉर्न बजाया तो तुझे क्या फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी वो पहले मैं निकाल रही हूँ। इसको मैं नाम दे रही हूँ एन डैश। सो एन डैश इज एन, जो उसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है, वी प्लस वी नॉट अपॉन वी माइनस वी एस, ये फॉर्मूला मैं यूज कर रही हूँ। तो ऑब्जर्वर मतलब हम तो रेस्ट पे हैं, तो ये टर्म तो लुढ़क गया, ये टर्म चला गया, और ये हमारे नजदीक आ रही है ना, तो मुझे फ्रीक्वेंसी क्या मिली? एन इंटू वी अपॉन वी माइनस वी एस। इसको तू नोट डाउन कर ले। अब केस टू में, क्या हुआ बेटा? वही जो साउंड इसको हिट हुआ है वही रिफ्लेक्ट होके वापस आ रहा है, तो अब सोर्स कौन बन गया? अब सोर्स बन गया ये दीवार, और अब हम सुन रहे हैं, हम कहां बैठे हैं? बस में। तो केस टू में सोर्स कौन है? दीवार, और ऑब्जर्वर कौन है? हम जो बस में बैठे हैं। तो अब क्या फॉर्मूला आएगा? उसको मैं नाम दे रही हूं, जो अभी फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी उसको मैं नाम दे रही हूं N1। N1 is equals to N dash. Means N dash क्यों लिया बेटा? Because जो हिट हुई, तुझे कौन सी फ्रीक्वेंसी सुनाई दी थी? तो दीवार पे चिपक के बैठा था तब N dash सुनाई दी थी ना, तो वही वो रिफ्लेक्ट करेगी।
तू जब दीवार पे बैठा था या बैठी थी, बंदर बन के हम बैठे थे, तब हमको कौन सी कान में गई फ्रीक्वेंसी? एन डैश, तो वही रिफ्लेक्ट होगी, तो ये एन डैश रिफ्लेक्ट हुई। अब वापस यहाँ पे डॉपलर इफेक्ट लगेगा वी, अब ऑब्जर्वर उसकी तरफ जा रहा है ना, तो वी प्लस वी नॉट अपॉन वी। कुछ कुछ जा रहा है दिमाग में, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। यहाँ क्या है, एक दीवार है और हम चले जा रहे हैं, हम बस में बैठे और बस ने हॉर्न बजाया, तो पहले हम केस वन में हम दीवार पे जाके बैठ गए, तो हमारे कान में क्या फ्रीक्वेंसी गई वो हमने निकाल ली। अब वही तो फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्ट होके आएगी, बट अब सुनना किसको है, हम ही को, और हम कहाँ बैठे हैं, बस में। तो इसका केस टू में हमने ऐसे किया। अब सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ एन डैश की वैल्यू, वी अपॉन वी माइनस वी एस एंड वी प्लस वी नॉट बाई वी, वी वी लुढ़क गए। बट तू ध्यान से देखेगा ये वी नॉट और वी एस एक ही बस तो है, वो बसी की तो फ्रीक्वेंसी एक बार बस सोर्स बन गई थी, एक बार बस ऑब्जर्वर बन गई थी, तो इसको मैं नाम दे देती हूँ वी डैश। क्या नाम दे रही हूँ, वी डैश। और मैंने तेरे लिए नया नया ताजी ताजी फॉर्मूला बनाया है, वी प्लस वी डैश अपॉन वी माइनस वी डैश। एन डैश तो नहीं, एन डैश की जगह तो सब्स्टिट्यूट किया था, हाँ ठीक है, तो ये हमारा नया फॉर्मूला है। इधर एन भी आना चाहिए ना, ये वाला एन मिसिंग है, यहाँ पे एन आएगा, तो ये एन आ गया। तो हमारा नया फॉर्मूला, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि हम बस में बैठे हैं, हम व्हीकल में बैठे हैं, हम ट्रक में बैठे हैं, हम साइकिल पे बैठे हैं, हम हॉर्न बजा रहे हैं, दीवार से टकरा के आवाज आ रही है, तो तुझे कुछ सोचना नहीं है, ये फॉर्मूला लगाना है, ऊपर प्लस नीचे माइनस। This is velocity of sound. This is your velocity. अब देखती हूँ मैं सॉल्व कर रही हूँ। तो n1 is, अब सारी वैल्यूज लिखने दे मुझे। Velocity of sound कितनी है? 335 plus 5 upon 335 minus 5 into 165. Okay. तो 335 plus 5 हो गया 340 upon 330 into 165. ये और ये अगर मैं कैंसल कर दूं और 33 5 165 होता है और ये 5 4 0 2 कैरी अप 15 170, तो अब हमारे कान में क्या फ्रीक्वेंसी गई 170। क्वेश्चन खत्म हो गया, नहीं बाकी है। तुझे जब डायरेक्ट हॉर्न सुनाई दे रहा था तब कितनी फ्रीक्वेंसी थी 165, ये साउंड जाके टकरा के वापस आया तब क्या फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही है 170, तो दोनों का डिफरेंस क्या है 5, सो दैट इज योर बीट फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 90% बच्चे छोड़ के आते हैं, बट तुझे डरने की बात नहीं है, तेरे पास अब ये ताजा ताजा फॉर्मूला आ चुका है। एन वन इज वी प्लस वी डैश अपॉन वी माइनस वी डैश इन टू एन, वेयर वी is velocity of sound in air and v dash is your velocity, but ये special case है, ये सब जगह लगाना नहीं है, so this is a special case. Is this clear? मैं उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया वापस एक बार देख लो, मैंने आराम से कराया है, एक और बार देख लोगे तो पक्का पूरी तरह से समझ जाओगे, ठीक है? चलो अब कॉपी कर। Moving ahead, question number 10. अब इस question में बेटा क्या दिया है? A string of mass 0.1 kg is under a tension of 1.6 newton. The length of the string is 1 meter. A transverse wave struck from one end of the string. The time taken by the wave to reach the other end. अब इस केस में हमको स्ट्रिंग जो है उसका मास दिया है 0.1 kg, that is 10 raised to minus 1 kg. Okay? जो टेंशन है that is 1.6 newton, length of the string is 1 meter. तो ये रस्सी है, यहां से वेव बन रही है, इसको 1 meter distance कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा? तो ये तो बहुत ही इजी फॉर्मूला है, टाइम इज डिस्टेंस
by speed. That is L by V. But miss, मुझे V नहीं पता. But V का formula तो पता है, under root T by M, where M is mass per unit length. तो मैं small m की जगह लिख रही हूँ capital M divided by L. अब देख बेटा ये क्या हो गया, T कितना दिया है 1.6, mass कितना है 10⁻¹ और length है 1. माइनस वन ऊपर गया तो ये 16 हो गया. रूट 16 इज योर 4. तो वेलोसिटी आ गई 4 मीटर पर सेकेंड. यहां सब्स्टिट्यूट कर दो तो t इज 1/4, दैट इज 0.25 सेकेंड. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. क्लियर, समझ में आया? So this is a easy question. Next, question number 11. Clear दिख रहा है क्या तुम लोगों को? बिल्कुल clear है. Okay. A train blowing the whistle moves with constant velocity v away from an observer standing on the platform. The ratio of the natural frequency of the whistle n to the apparent frequency is 1.2:1. If the train is at rest and the observer moves away from it with the same velocity v, the ratio of n to the apparent frequency is. Okay, पहले सिचुएशन समझते. ये हमारी ट्रेन है, ठीक है, बस जैसी लग रही है, बट मान लो ये ट्रेन है. अब हम यहां खड़े हैं. अब ये ट्रेन हमसे दूर जा रही है विद वेलोसिटी v, और ऑब्वियसली ट्रेन ही हॉर्न बजाएगी. तो ये हॉर्न बजा रही है, तो अब यहां पे ये हो गया हमारा सोर्स और हम कौन है, ऑब्जर्वर. तो अगर मैं n अपेरेंट का फॉर्मूला लिखूं, सो n अपेरेंट इज n v अपॉन v प्लस vs, क्योंकि लिए ये हमसे दूर जा रही है, दूर जा रही है तो ये कम होनी चाहिए फ्रीक्वेंसी, तो डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए. ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है. तो ध्यान से समझो, जब भी दूर जाएंगे तब फ्रीक्वेंसी हमारी कम होगी. फ्रीक्वेंसी कम होगी तो डिनोमिनेटर बड़ा, न्यूमरेटर छोटा. अब ऑब्जर्वर की स्पीड तो जीरो है तो वो हमने लिखी नहीं, और डिनोमिनेटर में सोर्स की फ्रीक्वेंसी आती है, इसलिए v प्लस vs. तो ये हमको क्वेश्चन से समझ गया. अब n by na यहां क्या होगा, v प्लस vs by v, दिस इज 1.2:1, ये दिया हुआ है. n by na क्या होगा, v प्लस vs by v विद दिस 1.2:1. ओके, अब केस टू में ट्रेन रेस्ट पे है, ट्रेन यही खड़ी है और हम दूर भाग रहे हैं ट्रेन से, और हमारी भी वेलोसिटी v है. अभी भी अपेरेंट फ्रीक्वेंसी हमारी कम होगी. इसका फॉर्मूला n a डैश इज n v माइनस v नॉट अपॉन v. अब कौन दूर जा रहा है, अब हम दूर भाग रहे हैं, तो ऑब्वियसली अपेरेंट फ्रीक्वेंसी, डिस्टेंस बढ़ रहा है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी. बट इस बार ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर न्यूमरेटर में है तो माइनस आएगा. कुछ कुछ बैठा तेरे दिमाग में, जब दूर जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी कम होगी तो न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा. जब नजदीक आएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो न्यूमरेटर बड़ा, डिनोमिनेटर छोटा. तो यहां से n by na dash आ रहा है v by v minus v naught, ये हमको पूछा है. बट बेटा v minus v naught यहां पे है और ये क्या था, v प्लस वी एस. हमको पूछा क्या था, अच्छा हाँ, हमको इसी का रेशियो पूछा है ना, n by n टू द अपेरेंट फ्रीक्वेंसी. ओके, एक काम करूं तो वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या दिया है, ऑब्जर्वर ट्रेन ब्लोज अ विसल ऑब्जर्वर स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, द रेशियो ऑफ द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी n टू द अपेरेंट फ्रीक्वेंसी. ठीक है, नहीं दिया है ना. ओके, देखते हैं. चल यहाँ पे जो सोर्स की है और ये ऑब्जर्वर की वेलोसिटी सेम है और ये v थी ना, तो इसको मैं वेलोसिटी, इसको v डैश दे देती हूँ. काम v डैश v डैश v डैश v डैश इज वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर. अब देखो जरा,
यहां से एक काम करती बेटा, मैं इसको सेपरेट कर देती हूँ, इसको उल्टा ले काम कर, इसको अपन उल्टा ले लेते हैं. सो एन ए डैश बाई एन इज वी डैश माइनस वी नॉट बाई वी डैश, जिसको अपन लिख सकते हैं वन माइनस वी नॉट की जगह बेटा मैंने वी डाल दिया क्योंकि क्वेश्चन में दिया है, डिवाइडेड बाय वी डैश. ठीक है, यही हमको पूछा है. यहां से जरा देखते हैं क्या सिचुएशन आ रही है. मैं यहां लिख रही हूं वन प्लस वी बाय वी डैश इज 1.2 बाय 1, सो वी बाय वी डैश इज 1.2 माइनस 1, सो वी बाय वी डैश इज 0.2. यहां पुट कर दे, सो एन ए डैश बाय एन इज 1 माइनस 0.2 दैट इज 0.8. बट हमको तो एन बाय एन ए डैश पूछा था, तो ये हो जाएगा 1/0.8 दैट इज 10/8 दैट इज 5/4 दैट विल बी 1.25:1. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. अ गुड क्वेश्चन. यहाँ बच्चे अटक सकते हैं, वो यहाँ तक तो पहुंच जाएंगे बट उसके बाद क्या करना है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है. यहाँ तक तुम लोग सबको समझाओ, आई एम श्योर ये सबको समझा. उसके बाद यहाँ पे भी ये सबको समझा. हमको पूछा था n by n a dash. पहले मैंने क्या किया, इसको उल्टा किया और इसको 1-v/v' के फॉर्मेट में लेकर आ गए. अब मैंने v by v dash यहां से निकाला और यहां से v by v dash आया 0.2, so that is 0.8. But this was n a dash by n. हमको तो n by n dash पूछा था, तो उसका उल्टा कर दिया. So that is 1/0.8, that is 10/8, which is 5/4, that is 1.25:1. So that is the answer D. This is a good question. ये तेरा दिल वाला question है. दे दे प्यार दे, प्यार दे, प्यार दे दे. इसे प्यार दे, तो हमको इसको प्यार देना पड़ेगा और इसको 2 या 3 बार सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके हमको ये क्वेश्चन आएगा. ओके, चलो कॉपी कर लो. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. विथ व्हाट वेलोसिटी एन ऑब्जर्वर शुड मूव रिलेटिव टू अ स्टेशनरी सोर्स. यानी यहाँ पे एक सोर्स है, वो स्टेशनरी है बेटा. ये अपना सोर्स है, ये स्टेशनरी है, एक ऑब्जर्वर है यहाँ पे. सो दैट अ साउंड ऑफ डबल द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इज हर्ड बाय एन ऑब्जर्वर. ओके, मतलब अगर इस सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो एन है, लेकिन उसको सुनाई कितनी दे रही है, 2n. तो ये कितनी स्पीड से चलना चाहिए ये हमको पूछा है. ओके, तो एन ए इज एन, वेलोसिटी ऑफ साउंड में बेटा वी ले रही हूं, सो वी प्लस वी नॉट बाय वी. बट तुझे पता है ये एन ए जो है वो 2 times ऑफ एन है, सो 2n इज एन वी प्लस वी नॉट बाय वी. एन ने एन को मार डाला, ये 2 वो साइड गया, सो 2v माइनस वी इज वी नॉट, सो वी नॉट इज वी. मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर शुड बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ साउंड. मतलब जिस स्पीड से साउंड ट्रेवल करती है, अगर ये ऑब्जर्वर भी उसी स्पीड से चलने लग जाए, लगभग 330 meters per second, मतलब भाई ये सुपरमैन बन गया. अगर ये सुपरमैन बन गया और साउंड की स्पीड से भागने लगा, तो हमारी जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी होगी वो दुगनी हो जाएगी. सो द करेक्ट आंसर इज सेम एज वेलोसिटी ऑफ साउंड टूवर्ड्स द सोर्स. ऑब्वियसली टूवर्ड्स ही आएगा क्योंकि लिए यहां फ्रीक्वेंसी बढ़ी है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. गुड क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. व्हेन द ऑब्जर्वर move towards a stationary source with velocity v1, the apparent frequency of the emitted note is f1,
when the observer moves away from the source with velocity v1, the apparent frequency is f2. If velocity of sound in air and f1 by f2 is equals to 2, then v by v1 is. Okay, ठीक है. यानी एक ऑब्जर्वर है, सोर्स हमारा रेस्ट पे है, सोर्स आराम कर रहा है भाई, और हम इसकी तरफ, ऑब्जर्वर इसकी तरफ भागे चले जा रहे हैं. हमारी वेलोसिटी कितनी है? v. तो हमारी जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी जो हमको सुनाई दे रही है वो है f1. केस टू में हम इससे दूर भाग रहे, चल निकल तू हमसे दूर जा. अभी भी सोर्स रेस्ट पे है, सो वेलोसिटी ऑफ सोर्स इज जीरो, वेलोसिटी ऑफ सोर्स इज जीरो. अब भी हम दूर भाग रहे हैं विद वेलोसिटी v और हमारी अपेरेंट फ्रीक्वेंसी f2 है. साउंड की नहीं, v1 डालना है, v1. साउंड की स्पीड v है. तो केस वन के लिए अगर मैं फॉर्मूला लिखूं, सो f1 इज f, हम नजदीक जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा v प्लस v1 बाय v. दिस इज योर केस वन. केस टू, f2 इज f, v माइनस v1 बाय v, क्योंकि लिए अब हम दूर जा रहे हैं. दोनों को यही बोला है ना, अब अवे. ओके, f1 बाय f2 की वैल्यू 2 दी है, सो 2 इज इक्वल्स टू, डिवाइड कर रही हूं बेटा, तो ये तेरा लुढ़क गया, ये v v भी कट गया, तो 2 इज इक्वल्स टू v प्लस v1 अपॉन v माइनस v1. सो 2v माइनस 2v1 इज v प्लस v1. इसको ये साइड ले ले, सो v इज इक्वल्स टू 3v1. तो देखो v1 आ गया. देखो पूछा क्या था, रेशियो पूछा है क्या? हाँ, v बाय v1 पूछा है, सो v बाय v1 इज 3. सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था. यहाँ पे देख रहे हो, इस क्वेश्चन में से ज्यादातर जो क्वेश्चन आने के चांसेस है वो डॉपलर इफेक्ट पे ही है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. सोर्स इज मूविंग टूवर्ड्स ऑब्जर्वर विद अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड एंड हैविंग फ्रीक्वेंसी 240 हर्ट्ज एंड ऑब्जर्वर इज मूविंग टूवर्ड्स सोर्स विद अ वेलोसिटी of 20 meter per second, what is the apparent frequency heard by the observer if velocity of sound is 340 meter per second? मतलब यहाँ पे source observer की तरफ जा रहा है और observer भी source की तरफ जा रहा है, दोनों एक दूसरे की तरफ भागे आ रहे हैं. इन दोनों में प्रेम है भाई, ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं. इनकी speed कितनी है? 20. Apparent frequency पूछी है, so n a dash is equals to n. नजदीक आ रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, तो न्यूमरेटर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा. तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर माइनस वेलोसिटी ऑफ, सो एन ए डैश इज इक्वल्स टू, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कितनी दी है? 240. वेलोसिटी ऑफ साउंड इज 340 प्लस 20 अपॉन 340 माइनस 20. तो ये कितना हो गया? 240. 340 प्लस 20 इज 360 डिवाइडेड बाय 320. तो ये हम काट रहे हैं. उसके बाद अगर मैं 8 के टेबल में इसको ले लूं, सो दिस इज 4 एंड दिस इज 30. तो यहाँ पे ये हमने कट किया 4 और ये 9 9 3 27. सो द करेक्ट आंसर इज 270 हर्ट्ज, दैट इज ऑप्शन ए. ओके, तो आज के सेशन में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे. सच बताऊं तो साउंड पहली बार हमारे सिलेबस में इंक्लूड हुआ है, तो इससे अभी तक कभी ज्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं. इनफैक्ट 2021 का जो पेपर हुआ था उसमें भी इसके ज्यादा क्वेश्चन नहीं है. एंड द गुड न्यूज इज मैं आपको साउंड में जितने भी 2021 में क्वेश्चंस कराए थे और भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे. साउंड के सिर्फ 2 ही वीडियोस होंगे, सो दैट इज अ बल्ले बल्ले टू अस. साउंड चैप्टर हमको बहुत
बहुत ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर से आएगा तो एक ही क्वेश्चन, या तो इनफैक्ट काफी सारे 2021 पेपर में इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। बट जैसे आपको पता है, वी शुड बी ऑल प्रिपेयर्ड, वी नेवर नो कि कब कहां से क्वेश्चन आ जाए, इसके लिए हम तो यहाँ सारे चैप्टर्स ही करने वाले हैं, बिकॉज हमको तो भाई फिजिक्स को एक बार फोड़ना ही है। ओके, नाउ सी यू सून, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।